हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी देर पहले मैंने लाइव किया था यूट्यूब पर, जो कि नेटवर्क इशू के वजह से सही से नहीं हो पाया था। उसमें बहुत जगह से आवाज़ कटा है बीच बीच में, तो सही इन्फॉर्मेशन आपके तक नहीं पहुंच पाई है। तो ये जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड ये वीडियो मैं आपको बनाकर दे रहा हूँ आज। और वो वाला जो वीडियो है उसको डिलीट करना पड़ा मुझे, ये दूसरा वीडियो बना रहा हूँ मैं। और इसमें जो मेरा एक सब्सक्राइबर है उसका एक क्वेश्चन था, और उसी का ये जो है हरियाणा से जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी आई थी उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एसेंशियल क्वालिफिकेशन का ये यहाँ पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो उसका जो क्वेश्चन था वो था कि उन्होंने जो एमएलटी का कोर्स है वो किया है पंजाब से, लेकिन वो है हरियाणा के और उन्होंने अप्लाई किया है हरियाणा में। तो हरियाणा का जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पास देखते हैं क्या है। 10+2 विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से हुआ होना चाहिए, मतलब कि आपका जो ट्वेल्थ क्लास है वो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री से पूरा हुआ होना चाहिए। इसमें बायो या मैथ से आपने किया होगा और आगे जाके डीएमएलटी बीएमएलटी जो कुछ भी किया होगा तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने मैथ से भी किया होगा तब भी अप्लाई कर सकते हो। तो मतलब आपको साइंस स्ट्रीम से होना ज़रूरी है, ठीक है। एक बात यहाँ पर एक समझ में आ गई। और इसमें क्या मांगा है, 1 ईयर लेबोरेटरी टेक्नीशियन डिप्लोमा। 1 ईयर लेबोरेटरी टेक्नीशियन डिप्लोमा मतलब कि एक साल का आपका जो भी है डिप्लोमा, डीएमएलटी जिसको बोलते हो या फिर पीएमएलटी वाले भी अप्लाई कर ही सकते हैं अगर डिप्लोमा मंगा है। तो फिर एक साल का आपका लेबोरेटरी टेक्नीशियन डिप्लोमा कंप्लीट हुआ होना चाहिए, किससे, इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय हरियाणा स्टेट, मतलब कि हरियाणा से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। जो इस भी इंस्टीट्यूट से आपने किया है ना, हरियाणा से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। मतलब कि अगर आप अप्लाई कर चुके हो तो वो क्या पूछेगा, हरियाणा से रिकॉग्नाइज होना चाहिए, मतलब कि हरियाणा के अंडर में ही वो आना चाहिए वो जो इंस्टीट्यूट है उस, तब जाके इसमें अप्लाई कर पाओगे। तो अप्लाई अगर आपने कर दिया है तो अच्छी बात है, अगर आपने हरियाणा से ही किया था तो। अगर आप हरियाणा से नहीं किए हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको उसमें दिक्कत आ सकती है। अब वो ज़रूरी नहीं है, आगे क्या प्रोसेस है वो तो आगे ही पता चलेगा। अगर उसमें मान जाते हैं वो तब तो ठीक है, लेकिन इसमें जो बताया गया है कि हरियाणा स्टेट से रिकॉग्नाइज होना चाहिए तब जाके आप अप्लाई कर पाओगे जिस भी इंस्टीट्यूशन से आपने किया है। तो क्योंकि इसमें यहाँ कहीं पर भी वो नहीं मंगा है, रजिस्ट्रेशन नहीं मंगा है, इसलिए हरियाणा स्टेट से रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन यहाँ पर मंगा गया है। तो आपको यहाँ पास ध्यान देना है, और मैं आपको यही सलाह देना चाहता हूँ कि आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो आप पहले चेक कीजिए, तब जाके उसमें अप्लाई कीजिए। क्योंकि इसमें आप फ़ी पे करते हैं जितना भी, 300, 400, 700, 1000 जितना भी करते हो, वो आपका वेस्ट चले जाएगा। अगर आपने अप्लाई कर दिया है, गलती से अप्लाई कर दिया है, आपने ये नहीं देखा था, तो कोई बात नहीं। आप क्या कीजिए, आप एग्ज़ाम देकर आ जाइए और एक्सपीरियंस हो जाएगा एक तरीके से आपको। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है इसमें, मतलब सिलेक्शन मतलब कि आपने क्लियर कर लिया एग्ज़ाम, तो वेरिफिकेशन प्रोसेस में जब आपको बुलाया जाएगा तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर आपका हो जाएगा तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो आपको एक्सपीरियंस तो हो ही जाएगा, आप ये दोबारा गलती नहीं करोगे। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है अगले बार से अप्लाई करते वक्त, ठीक है। बस वीडियो में इतना ही बताना चाहता था। आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाता है। अगर उसके ऊपर वीडियो बनाना पड़ता है तो वीडियो भी आपको तुरंत मैं बनाकर दे देता हूँ, जैसे कि ये वाला वीडियो आपको मैंने बनाकर दे दिया, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपका जो भी प्रॉब्लम है वो पूरी हुई होगी। और मेरा एक सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा था कि कहाँ से हो, किस स्टेट से हो, तो मैं हूँ भाई छत्तीसगढ़ से, ठीक है। थैंक यू।